हेलो माय डियर फ्रेंड्स तो आज मैं एक छोटा सा केस आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जो एक्चुअली रिलेट करता है कि अगर कोई माइनर है और उस माइनर का अबॉर्शन हुआ है तो यहां पर एमटीपी एक्ट में किस तरीके से उस माइनर को आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्शन मिलता है वो हम आज आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं तो यहां पर ये यह हेडिंग है एस डीसीपी विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ माइनर्स आइडेंटिटी प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन केसेस ठीक है मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है द मद्रास हाईकोर्ट ऑन मंडे हेल्थ दट इन केस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी वेल द पुलिस इंस्टीट ऑन माइनर आई डी एंड कंपेर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू शेयर द सेम सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी और द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस मतलब डीसीपी कंसर्न विल बी दिस पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इफ सच आइडेंटिटी पर्सनल डिटेल ऑफ माइनर गेट लीड टू दाउस एड वर्ल्ड तो यहां पर कह रहा है कि भाई जैसे भी अगर किसी बच्चे का जो माइनर है अब उसका मान लीजिए एम टीपी हुआ मेडिकल टर्मिनेशन हुआ ठीक है अब मेडिकल टर्मिनेशन हुआ है तो यहां पर क्या हो भाई आगे की रिपोर्ट बनाना इंक्वायरी करना कि उसका रेप वगैरह जो हुआ था तो उसके लिए क्या होगा भाई सारी इन्वेस्टिगेशन चाहिए ठीक है रिपोर्ट चाहिए ठीक है सर तो अगर उस बच्चे का नाम पता एड्रेस आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मेडिकल प्रैक्टिसनर जिसने उस बच्चे की टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी की है वो पुलिस वालों को देता है इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर वो आइडेंटिटी रिवील हो गई तो एसपी और डीसीपी डायरेक्ट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा मतलब उनकी जिम्मेदारी है The Supreme Court has made it imply clearly that when a minor approaches a registered medical practitioner for MTP for pregnancy out of a consensual relationship, अब मान लीजिए consensual relationship हुआ, मतलब यहाँ पर उस बच्चे के साथ physically relationship बना किसी का, ल, उस लड़की के साथ, the professional is not obliged to inform the authority. तो जो professionals हैं, जिन्होंने उसका termination किया है, pregnancy का abortion किया है, तो वो obliged नहीं है, लेकिन द पुलिस अथॉरिटी से इट इज इंपॉसिबल टू कंडक्ट अ प्रोब इंक्वायरी विदाउट द आइडेंटिटी ऑफ माइनर के सर हमें पता ही नहीं चलेगा वो लड़की कौन है तो हम कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी कैसे करेंगे कि रेप था या फिर किसी ने जबरदस्ती की है या किसी ने कुछ खिला पिलाकर इस तरीके का काम किया है तो इन सच केसेज देर फॉर द आइडेंटिटी ऑफ माइनर इज नॉट टू बी रिवील्ड बाय द पुलिस टू द आउटसाइड वर्ल्ड बस यहां पर एक ही शर्त रखी गई है कि डॉक्टर से आप आइडेंटिटी ले लो बच्चे की पुलिस वालों को बोला लेकिन उस बच्चे की आइडेंटिटी जो है ना वो लीक नहीं होनी चाहिए होगी तो एसपीडीसी भी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल The police to come up with a mechanism to ensure minor victim identity and personal detail are not revealed to the outside world.

The bench also directed the state government to formulate an SOP to govern

वहां से लीक होने का बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है तो यहां एसपी और डीसीपी को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया है कि अगर आपके थाने से आपका कोई भी ऑफिसर की वजह से यह रिपोर्ट लीक होती है तो यू आर डायरेक्टली अकाउंटेबल